हेलो फ्रेंड्स, बिजी लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज चला रहे हैं फॉर यूपीएससी का ईपीएफओ जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, एपीएफसी और एओईओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के सवालों को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग अभी तक आई गेस 40 सवाल कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आज हम लोग 40 क्वेश्चन से आगे के सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन कहाँ था। अगर हम लोग जल्दी जल्दी नीचे आए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग आज 41वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो 41वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम के 6/7 ऑफ ए वर्क, किसी काम के 6/7 भाग को करने में 2Z आवर्स लेता है, ठीक है? 2Z आवर्स लेता है। बी जो है वो बी वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ लॉन्ग डिड बी वर्क। बी जो है वो बी से ए से दोगुना काम करता है, दोगुने स्पीड से काम करता है और उस काम को फिनिश करता है, तो बी कितने देर काम किया। ये कहना है कि अगर ए ने किसी काम का 6/7 पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद वो 2Z आवर्स मतलब उसके बाद वो चला गया, बाकी काम बी ने दोगुनी गति से किया है, तो बी ने बाकी काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बी वर्क ट्वाइस एज फास्ट, इसका मतलब कि बी का एफिशिएंसी जो है वो ए के एफिशिएंसी से दोगुना है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें कि ए और बी अगर यहाँ लिख गए तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 1:2, क्योंकि बी का एफिशिएंसी ए के एफिशिएंसी से दोगुना है, ठीक है? तो मैंने कहा था कि एफिशिएंसी का टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो के उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 2:1, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लो लेट वर्क इज इक्वल टू 7 यूनिट, मान लो काम जो है वर्क इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, ठीक है? अब यहाँ पे तो ए ने क्या किया है, ए ने काम के 6/7 ऑफ ए वर्क को करने में 2Z आवर्स लगता है। अब काम हमने 7 यूनिट क्यों लिया, क्योंकि 7 का अगर 6/7 निकालेंगे तो 6 आएगा, एक होल नंबर आएगा, तो मान कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हमने काम को यहाँ पे 7 मिनट लिया, ठीक है? तो यहाँ पे 6/7 ऑफ 7 क्या आ जाएगा, 6 यूनिट, यानी कि ए को 6 यूनिट काम करने में 6 यूनिट काम करने में 2Z आवर्स लग गया, ठीक है? 2Z आवर्स लग गया, ठीक है? अब 6 यूनिट काम हो गया तो कितना काम बचा, वर्क लेफ्ट कितना हो गया, ए ने 7 यूनिट काम था जिसमें कि ए ने 6 यूनिट काम कर दिया, तो काम कितना बचा, 1 यूनिट। तब पूछ रहा है कि इस 1 यूनिट काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे कि एफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, तो अगर बी जो है वो ए से 2 गुना ज्यादा फास्ट करता है तो उसको ए से आधा टाइम लगेगा काम करने, ठीक है? तो उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, किसी काम को करने में अगर ए को 2 घंटा लगता है तो उसी काम को करने में बी को 1 घंटा लगेगा, ठीक है? तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी काम को करने में ए को 2Z आवर्स लगा है, ठीक है, तो उसी काम को करने में बी को Z आवर्स लगेगा, ठीक है? अगर ए किसी काम को करने में, ये लाम बच गया, किसी काम को करने में अगर ए को 2Z आवर्स लगता है तो उसी काम को करने में बी को Z आवर्स लगेगा, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ए को 6 यूनिट काम करने में ए को 2Z आवर्स लगता है, तो 6 यूनिट काम करने में बी बी को कितना टाइम लगेगा, Z आवर्स लगेगा, ठीक है?
अगर 6 यूनिट काम करने में जेड आवर्स लगता है तो एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, जेड बाई 6 आवर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था कि एक बी को एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ हमें क्या मिला, जेड बाई 6 आवर्स, यानी कि बी अकेले उस काम में एक यूनिट काम करता है तो उसको जेड बाई 6 आवर्स आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि ए अगर किसी काम के 6/7 भाग को करने में 2 जेड आवर्स लगाता है, तो बी उस काम उसके बाद ए चल जाता है, तो बी उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो हमने काम मान लिया 7 यूनिट, क्यों क्यों माना 7 यूनिट, ताकि 7 का 6/7 भाग जो है वो 6 यूनिट आएगा, जो कि एक होल नंबर होगा, तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो 6 यूनिट काम करने में 2 जेड आवर्स लगा, ये 22 नहीं है, जेड है, इसको जेड लिख देते हैं, जेड। ठीक है, 2 जेड आवर्स, 2 जेड, यहाँ जेड है हर जगह, जेड। ठीक है, तो उस हिसाब से हम निकाले कि 6 यूनिट काम हो गया, तो काम कितना बचा, 1 यूनिट, और इनके एफिशिएंसी का रेशियो था 1/2, तो टाइम का रेशियो आ गया 2/1। और अगर 2 जेड आवर्स लग, अगर किसी काम को करने में ए को 2 जेड आवर्स लगता है, तो बी को उसी काम को करने में 6 जेड आवर्स लगेगा, 6 यूनिट काम करने में 2 जेड आवर्स लगा ए को, तो बी को उसी काम करने में जेड आवर्स लगेगा, तो 1 यूनिट करने में बी को Z/6 आवर्स लगेगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बी जो है वो रिमेनिंग काम Z/6 आवर्स में कर लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, 42 क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 36, अगर 7 काम करें तो किसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ए एंड बी फिनिशेज ए वर्क इन 36 डेज वर्किंग टुगेदर, बट द वर्क वाज फिनिश्ड इन 40 डेज एज ए हैड टू वर्क अलोन इन लास्ट 10 डेज। अब देखते हैं, मान लो कि ए का एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे, ए यूनिट पर डे, और बी का एफिशिएंसी है बी यूनिट पर डे। ठीक है, अब दोनों मिलकर 36 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो काम कितना हो गया 36 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये मैं समझा चुका हूँ कि ये कैसे आता है। ठीक है, ये हो गया 36 इंटू ए प्लस बी, अच्छे से लिख देते हैं, 36 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया काम। ठीक है, अब कह रहा है लेकिन काम जो है वो 40 दिन में खत्म हुआ, काम जो है वो 36 दिन में हो जाता है, लेकिन काम को करने में 40 दिन लग गया, क्योंकि ए हैड टू वर्क अलोन इन द लास्ट 10 डेज। लास्ट 10 डेज ए अकेले काम किया, मतलब कि 30 दिन ए और बी ने 7 काम किए। देखो, 40 दिन काम करने में लग गया और लास्ट 10 डेज ए ने अकेले काम किया, यानी कि 30 दिन ए और बी ने 7 काम किया, तो काम कितना हो जाएगा, 30 इंटू ए प्लस बी, 30 दिन ए और बी ने 7 काम किया और 10 दिन ए ने अकेले काम किया, तो 10 दिन में 10 ए काम हुआ, यानी कि ये आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क तो दोनों केस में सेम होगा, तो इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो कितना आएगा, 36 ए प्लस 36 बी इक्वल टू 30 ए प्लस 30 बी प्लस 10 ए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 36 ए प्लस 36 बी इक्वल टू 40 ए प्लस 30 बी। ठीक है, 4 ए इज इक्वल टू 6 बी, a/b इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे a/b इक्वल टू 6/4, जो कि हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी हम लोग मान सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी हम लोग मान लेते हैं 3 यूनिट पर डे, और बी का एफिशिएंसी हम लोग मानते हैं 2 यूनिट पर डे। a/b का रेशियो आया है 3/2, तो हम मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे और बी का एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अब कह रहा है कि इन व्हाट टाइम कैन बी अलोन फिनिश द वर्क, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं, हम लोग ए और बी का ये वैल्यू किसी भी, या तो इसमें रख देंगे या फिर इसमें रख देंगे, तो हमें टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसमें रखते हैं, पहले वाले में रखते हैं। वर्क कितना आएगा, 36 इंटू 3 प्लस 2, क्या आ जाएगा, 36 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 180 यूनिट। ठीक है, तो काम कितना है, 180 यूनिट। ठीक है, अब
पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। ठीक है, तो बी जो है वो 2 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन लगाता है, तो 1 यूनिट काम करने के लिए 1/2 दिन लगाएगा, और 180 यूनिट काम करने के लिए 180/2 यानी कि 90 दिन लगाएगा। ये मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिखे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आप डायरेक्ट 180/2 लिख के 90 दिन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, ये ऊपर चल गया और हाँ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि बी प्लस सी टेक्स 50% मोर टाइम देन ए प्लस बी प्लस सी टू फिनिश ए वर्क। एक काम को करने के लिए बी प्लस सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से, अगर बी और सी पिन के किसी काम करते हैं तो उनको 50% ज्यादा टाइम लगता है जब ए और ए बी और सी मिलकर किसी काम को करें। ठीक है, यहाँ देखते हैं, मान लो यहाँ पास बी प्लस सी है और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। मान लो ए प्लस बी प्लस सी को किसी काम को करने में 2 यूनिट टाइम लगता है, ये टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो परफेक्ट से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई भी सवाल आपको जल्दी बनता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग रेशियो मेथड से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा स्पीड अच्छा बन जाए। ठीक है, तो मान लो कि टाइम का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं। मान लगे कि ए प्लस बी प्लस सी को ए बी और सी एक साथ किसी काम करते हैं तो उनको 2 यूनिट टाइम लगता है, तो कहा गया है कि बी प्लस सी अगर एक किसी काम करेंगे तो उनको 50% ज्यादा टाइम लगेगा। तो 2 का 50% कितना होगा, 1, और 50% ज्यादा टाइम लगता है यानी कि 2 प्लस से 3 यूनिट टाइम लगेगा बी प्लस सी को। ठीक है, अब टाइम का रेशियो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, टाइम के रेशियो उल्टा होगा, चैन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 2:3। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी के का एफिशिएंसी है 3 और बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 2, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। कैसे आया ये, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 3 और बी बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 2, यानी एक का अकेले का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक एफिशिएंसी आ गए, इसका फोन आ रहा, चलिए उस पर ध्यान न दीजिए, एक एफिशिएंसी आ गया 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी गेट्स रुपीज 120 आउट ऑफ द टोटल। देखो इफ ऑल द थ्री वर्क टुगेदर, अगर तीनों ने एक साथ काम किया, तीनों ने एक साथ सेम नंबर ऑफ डे काम करके किसी काम को कंप्लीट किया तो बी को 120 रुपये मिलता है आउट ऑफ द टोटल वेजेज ऑफ रुपीज 450। 450 के मुकाबले जो टोटल पैसा तीनों को मिला उसमें से बी को 120 रुपये मिलता है। ठीक है, तो आप देखें इन तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज डिड ऑल थ्री फिनिश द वर्क, इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि बी को 120 रुपये मिला, 450 जो टोटल वेज तीनों को मिला है उसमें से बी को 120 रुपये मिला। ठीक है, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि देखो पहले मैंने बताया था कि जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। ठीक है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मान लो ए बी और सी का रेट है 1 यूनिट पर डे, यहाँ पे हम लोग एक चीज समझाना चाह रहे हैं कि मान लो ए का ऑप्शन सी 1 यूनिट पर डे, इसका ऑप्शन सी बी यूनिट पर डे, इसका ऑप्शन सी 3 यूनिट पर डे। ठीक है, मान लो कि क्या लिखा है कि इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर, इसका मतलब कि तीनों ने एक साथ काम किया सेम नंबर ऑफ डेज के लिए, तो मान लो कि तीनों ने एक साथ एक्स डेज काम किया, मान लो एक्स डेज काम किया है, तो तीनों ने एक्स डेज में कितना कितना काम किया होगा, ए एक्स बी एक्स और सी एक्स काम किया होगा। अब मैंने कहा था कि जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है, मतलब कि पैसा जो है वो काम के रेशियो में डिवाइड होता है, तो जहाँ पे इन इन लोगों ने ए एक्स बी एक्स और सी एक्स काम किया है यानी इनको जो पैसा मिलेगा वो ए एक्स बी एक्स और सी एक्स के रेशियो में मिलेगा। अब इस रेशियो में से हम लोग एक्स एक्स हटा सकते हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, काम का रेशियो और वर्क का और एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ सेम आ गया है कि नहीं, तो
एफिशिएंसी का रेशियो भी ए बी एस टू बी टू सी आएगा और काम का रेशियो भी एस टू बी टू सी आएगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर तीन लोग एक साथ किसी काम को कर रहे हैं और तीनों सेम डेज में सेम डेज तक काम कर रहे हैं सभी कोई, तो उनके काम का रेशियो उनके एफिशिएंसी के रेशियो के सेम होगा और पैसा जो है वो काम के रेशियो में डिवाइड होता है। और काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं कि पैसा भी जो है वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको समझाने का पर्पस शायद सॉल्व हो गया हो होपफुली। चलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ये हो गया, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ए का एफिशिएंसी आ गया एक। अभी मैंने समझाया कि अगर अगर तीनों ने सेम डेज काम से एक साथ सेम नंबर डेज काम किया तो उनका काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो सेम होगा, तो हम लोग पैसा जो है वो मान सकते हैं कि एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी उनका 3 है, यानी कि 3 यूनिट के लिए 450 रुपया दिया गया है सभी को। यहाँ लिखते हैं 3 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए 450 रुपया दिया गया है। तो ए ने 1 यूनिट काम किया है तो 1 यूनिट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा? 1 यूनिट के लिए 450 बाई 3 यानी कि 150 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ए बी और सी, ठीक है, बी को 120 रुपया मिला है ये सवाल में लिखा हुआ है और ए को 150 रुपया मिल गया। ठीक है, तो अब सी को कितना मिलेगा? तो 450 टोटल है, उसमें से ए को 150 मिल गया और बी को 120 मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा? 450 माइनस 270 यानी कि 180, यानी कि सी को 180 रुपया मिला। ठीक है, अब पैसा भाई मैंने समझाया था कि पैसा जो है वो जिसको जितना काम जिसने जितना काम किया उसी रेशियो में पैसा तुमको मिलता है। यहाँ पे काम सभी ने सेम नंबर ऑफ डेज किया है तो काम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो सेम रहेगा, यानी कि इस केस में पैसा जो है वो जिसका जितना एफिशिएंसी है उसी रेशियो में पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि पैसा सबको कितना मिला है, पैसा जो सबको मिला है यहाँ पे वो मिला है 150, 120 और 180। ये पैसा का रेशियो हुआ, मनी का रेशियो हुआ, ये तो एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होगा। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो भी यही होगा, 150, 120 और 180। इसको हम लोग 3 से रेशियो है तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लोग 30 से काट सकते हैं, तो अगर 30 से काटेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5:4:6। ठीक है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो हमें आ गया 5:4:6। ठीक है, ये हो गया रियल एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अब क्वेश्चन में पूछा है कि अगर क्वेश्चन पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज डिड ऑल द 3 फिनिश द वर्क, वो तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम को फिनिश किया? इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग लेते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का केस। ठीक है, ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आएगा? एफिशिएंसी अगर देखें तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आएगा 9 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आएगा 5:4:9:6:15। तो एफिशिएंसी का रेशियो ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 9:15। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी के रेशियो के, यानी कि 15:9, 15:9 ये हो गया टाइम का रेशियो। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 3 से काट के तो हो जाएगा 5:3। यानी किसी को काम को करने में अगर ए प्लस बी को 5 दिन लगते हैं तो उसी काम को करने में सी को 3 दिन लगेगा। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि और सवाल में क्या दिया हुआ कि इफ ए प्लस बी टेक्स 8/3 डेज मोर देन ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी को
किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 डे ज्यादा लगता है, यानी कि 5 माइनस 3 जो कि है 2, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/3। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारे अनुसार ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी से कोई काम करने में 2 दिन ज्यादा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी से कोई काम करने में 8/3 डे ज्यादा लगता है, यानी कि 2 का वैल्यू जो है वो 8/3 आएगा, 2 का वैल्यू 8/3 आएगा। तो और नीचे कर लेते हैं स्क्रीन, और जब थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा इसको करने के लिए, जगह बनाना पड़ेगा 1 मिनट, ये और नीचे कर ले। यानी 2 का वैल्यू आ गया यहाँ पे 8/3, तो 1 का वैल्यू आएगा 4/3। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल काम करने में ए प्लस बी प्लस सी को 3 दिन लगे, 3 यूनिट टाइम लगा, तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 4/3 यानी कि 4 डेज, यानी ए प्लस बी प्लस सी को टोटल काम करने में 4 दिन लगे। ये था रेशियो मेथड जिससे हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप एक्स मान के भी अगर सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्स दिया हुआ कि ए प्लस बी को काम करने में 5x डेज लगे और ए प्लस बी प्लस सी को कोई काम करने में 3x डेज लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 के बजाय हमने एक्स मान लिया, तो क्वेश्चन के अनुसार 2x का वैल्यू 8/3 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो है वो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी को 3x डेज लगता है और एक्स का वैल्यू 4/3 है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी टोटल काम करने में ए प्लस बी प्लस सी को 4 दिन लगे। ठीक है, तो ये रेशियो मेथड है। आप जैसे जैसे मतलब और सवाल हम लोग इस मेथड पे करते जाएंगे तो ये मेथड आप और क्लियर हो जाएगा और आप सवाल जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने एक्स लेके समझा दिया, लेकिन जब आप एक्सपर्ट जाएंगे तो आपको एक्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट एक्स की जगह 1 मान के भी जल्दी जल्दी सवाल को इस तरह से सॉल्व कर देंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या आ गया, 4 डेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। बी टेक्स 3 टाइम्स टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू फिनिश ए वर्क, सी टेक्स ट्वाइस टाइम टेकन बाई ए एंड बी टूगेदर टू फिनिश इट, ऑल 3 कैन फिनिश इट इन 10 डेज, इन वाट टाइम ए अलोन कैन फिनिश। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी को ए और सी जो काम को करते हैं उसी काम को करने में बी को 3 गुना ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि बी और ए प्लस सी की बात करें तो इनके केस में टाइम का जो रेशियो आएगा, ये टाइम का जो रेशियो आएगा इस केस में, अगर ए प्लस सी को 1 टाइम लगता है तो बी को इससे 3 गुना ज्यादा टाइम लेता है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 1:3। ठीक है, और यहाँ एक और केस दिया हुआ है कि सी टेक्स ट्वाइस टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू टुगेदर टू फिनिश इट, यानी कि अगर सी और ए प्लस बी की बात करें तो अगर ए प्लस बी किसी काम को 1 टाइम में करते हैं तो बी को सी को उसी काम करने में 2 गुना टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो तो ये हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1:2। आप यहाँ से देखें कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू के एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो एक जगह ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आया 4, एक जगह आया 3, तो दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, इसका हम लोग क्या करेंगे, इन इन दोनों को हमें सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, इस ये 4 है और ये 3 है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इधर साइड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर साइड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 12, तो इधर भी एफिशिएंसी हो जाएगा 12। तो अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी दोनों जगह सेम हो गया, तो अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इधर बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9, और इधर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और इधर ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8। ठीक है,
ये अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी हम लोग यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि देखो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे एफिशिएंसी आया 4 और यहाँ पे एफिशिएंसी आया 3, दोनों जगह एक ही चीज का एफिशिएंसी अलग अलग नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग सेम करेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, ये 4 है और ये 3 है, तो इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी 12 ही आएगा। तो अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब कि आपने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या हो गया, अब बी का एफिशिएंसी आ गया 3 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया 9 और सी का एफिशिएंसी आ गया 4 और ए प्लस बी पी का एफिशिएंसी आ गया 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का सम जो है वो 12 12 हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑल थ्री कैन फिनिश इट इन 10 डेज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ गया है 12 यूनिट पर डे, और कह रहा है कि वो लोग मिल के काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 12 × 10 यानी कि 120 यूनिट काम कर देंगे। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क अब कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितनी देर में फिनिश करेगा। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 12। ठीक है, यहाँ पे बी पी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो कि है 3 और सी का एफिशिएंसी हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो कि है 4, तो बी के जगह 3 और सी के जगह 4 रखें तो ए का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 12 - 7 ये क्या आ जाएगा, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ए जो है वो 5 यूनिट में एक काम को करने, 5 यूनिट करने के लिए 1 दिन लगाता है, 1 यूनिट करने के लिए तो 120 यूनिट काम करने के लिए, अब इसको डायरेक्ट करते हैं कि ए जो है वो 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, तो 120 यूनिट काम करने कितना दिन लगा, 120 / 5 यानी कि 24 डेज। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल तरीके से बनाए तो कैसे लिखेंगे, 5 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन लेता है, 1 यूनिट काम करने के लिए 1/5 दिन लेगा, तो 120 यूनिट काम करने के लिए वो 120 / 5 यानी कि 24 दिन लेगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है, आपको डायरेक्ट तरीके से निकालना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 भी कर लेते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो ए और बी दो आदमी हैं। ठीक है, ए कंप्लीट 1/2 वर्क इन 3/4 ऑफ बीस टाइम। ठीक है, तो ए किसी आधे काम को करने में बी का 3/4 टाइम लेता है, मतलब बी मान लो किसी काम करने में एक एक टाइम लेता है, तो बी उस ए उस आधे काम को करने में 3/4 ऑफ 1 लेगा यानी कि 3/4 टाइम लेगा। तो ए आधे काम को करने में अगर 3/4 टाइम ले रहा है तो एक काम को करने में कितना दिन लेगा, पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, 3/4 × 2 यानी कि 3/2 टाइम लेगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो ए और बी के टाइम का रेशियो क्या आ गया कि ए किसी काम को बी अगर किसी काम को करने में 1 यूनिट टाइम लेता है तो ए उसी काम को करने में के लिए 3/2 यूनिट टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि इनके टाइम का रेशियो क्या आ गया, 3:2, ये 2 इधर जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि 3/2:1 का मतलब क्या है कि 3/2 / 1, तो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/2, 2 नीचे आएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 3:2। आप इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन समझ नहीं आया तो 3/2 / 1, डिवाइड के लिए तो डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इस साइड वाला जो है वो पलट जाता है, तो 3/2 * 1 हो गया यानी कि 3/2 हो गया, यानी कि ए और बी का रेशियो आ गया 3/2। और आदि के सवाल में ऐसा केस आता है तो मैं फिर से अच्छे से इसको समझा दूंगा, इस सवाल में तो एक था तो उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आई होप कि मैक्सिमम आदि को समझ में आ जाएगा कि अगर 3/2 * 1 है तो 2 इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2, तो टाइम का रेशियो आ गया 3/2।
ठीक है, टाइम का रेशियो आ गया 3/2। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ बोथ कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, अगर दोनों काम करके किसी काम को 20 दिनों में फिनिश कर देते हैं तो टोटल वर्क कितना आएगा? मान लो टोटल वर्क, ठीक है, इनका एफिशिएंसी हम लोग मान लेते हैं 2 यूनिट पर डे और 3 यूनिट पर डे, तो एक दिन में दोनों जो है वो 5 यूनिट काम करेंगे, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 × 2 + 3, 20 × 2 + 3 जो कितना होगा? 20 × 5 जो कि होगा 100 यूनिट्स, यानी काम हो गया आपका 100 यूनिट। ठीक है, अब 100 यूनिट काम हो गया, मान लो कि ये घंटे में टाइम दिया, कोई टाइम का यूनिट नहीं दिया, हम लोग मान लेते कि टाइम जो है वो घंटे में दिया, यानी कि बी कोई काम को 1 घंटे में करता है तो ए उसी काम को 3/2 घंटे में करता है। ठीक है, तो ये आ गया काम जो आ गया वो आ गया हमारा 100 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है इन व्हाट टाइम विल ए टेक टू फिनिश द वर्क, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा? तो आप देखें कि ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे और 100 यूनिट काम है, तो एक एक को काम फिनिश करने में अकेले कितना टाइम लगेगा? 100/2 यानी कि 50 डेज, ये उस काम 50 आवर्स, ये उस काम को 50 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा, ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पे टाइम का कोई यूनिट नहीं दिया है, तो हमने आवर माना तो 50 आवर आंसर आया। ऑप्शन में आपको अगर आवर में आंसर दिया हो तो आप आवर में लगाएं, या फिर ऑप्शन में एग्जाम में कोई यूनिट दिया रहेगा, अगर अगर यूनिट नहीं दिया तो आप डायरेक्ट 50 ही लिखेंगे, आवर्स और डे, मतलब कि मैंने समझाने के लिए जूम किया, आप एग्जाम में अगर कोई यूनिट नहीं दिया तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 to 45 आज हमने सॉल्व किया। आगे के वीडियो में हम लोग 46 और उसके आगे के सॉल्व करेंगे, होपफुली आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे टाइप जो है वो 50 नंबर सवाल तक कवर नहीं हो पाएंगे, तो और टाइप के क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 7-8 से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि इस समय हर टाइप को कवर करने के लिए टाइम एंड वर्क में हमें कितने सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में मिलेंगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मतलब कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।